अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब हम मौजूद हैं एक्सपो सेंटर के अंदर और जो हमारा हाइसेंस का पाकिस्तान के अंदर ब्रांड है इसके अंदर उसके स्टॉल पे मौजूद है और मेरे साथ इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं अजमल साहब। इनसे हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इनकी जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन सी ये पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर सबसे पहले आप बताएँ कि पाकिस्तान के अंदर आप HVAC में मेन जो प्रोडक्ट्स हैं वो किन प्रोडक्ट्स को डील कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, अभी हम जो है पाकिस्तान में अलाइड प्रोडक्ट जितनी भी हैं मटेरियल के अलावा प्रोडक्ट के अंदर हाइसेंस VRF और चिल्ड वाटर के अंदर कैरियर ब्रांड और कूलिंग टावर में बाल्टीमोर ब्रांड, ये तीन ब्रांड हैं जो पाकिस्तान में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम इनके सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और अभी 80% आपकी जो मार्केट है वो VRF बेस्ड है, मतलब जितने भी घर हों सेमी कमर्शियल या कमर्शियल के ऊपर और रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अलावा भी ये सारा जो है उसके ऊपर VRF पे डिज़ाइन बेस्ड हो रहा है। तो हम इसके ऊपर हाइसेंस, क्योंकि ये बेसिकली हाइसेंस हिटाची एयर कंडीशनिंग कंपनी है, तो उसके हम हाइसेंस के VRF के सोल डिस्ट्रीब्यूटर है पाकिस्तान में, तो उसको हम कर रहे हैं। और चिल्ड वाटर में इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, मतलब इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं उसके अंदर हम AHUs चिलर और FCUs वगैरह और उसके साथ पूरा सोलूशन कूलिंग टावर के साथ वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और टॉप 1-2-3 में जो अभी हम जो है वो स्टैंड कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, और क्योंकि वही हम सेल जो है तकरीबन कोई 40,000 प्लस अभी हमने पिछले 5 सालों में बेचा है और अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। सर सबसे पहले तो मैं आपको बताता चाहूँ कि ये जो आपने कूलिंग टावर का ब्रांड बताया ऑलरेडी हम भी यूज़ कर रहे हैं अपने कंपनीज के अंदर, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। अच्छा सेकंड नंबर पे ये बताएं कि आपकी मेन जो मार्केट के अंदर वो ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स चल रही हैं वो VRF से रिलेटेड, क्योंकि मार्केट के अंदर इस चीज़ की एक बहुत डिमांड हो गई है। अच्छा जो आप यूज़ कर रहे हैं VRF सिस्टम, इसकी क्या बेस्ट क्वालिटी है, क्योंकि अब मार्केट में ज़ाहिर सी बात है कंपटीशन होता है, तो आप अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड एक अच्छी चीज़ बताएं कि इस वजह से आप कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को ख़रीदे। देखिए उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है इसके कंट्रोल्स, मतलब किसी भी VRF के अंदर जो सबसे पहले है वो कंप्रेसर है, कंप्रेसर के बाद उसके इन्वर्टर कंट्रोल्स के वो कहाँ से हैं, ओरिजिन उसका क्या है, और वो और इसके अंदर एक्सपेंशन वॉल्व, ये 3-4 चीज़ें हैं जो कॉपर पाइप की ट्यूब्स हैं वो भी बड़ा मैटर कर रही होती हैं, और यूनिट की बजाते खुद जो वॉल्यूम और विड्थ है उसका, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें दूसरे यूनिट से मुमताज़ करती हैं या आप कह सकते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी है। कि उसके अंदर ब्लू फिन्स भी हम ऑफ़र करवा रहे हैं, ब्लैक फिन्स भी ऑफ़र करवा रहे हैं, उसके अलावा जितने भी हमारे इन्वर्टर PCBs हैं वो सारे जापानीज बेस्ड हैं, और कंप्रेसर इसके अंदर हम हिटाची का यूज़ कर रहे हैं और मिट्सुबिशी थाईलैंड भी यूज़ कर रहे हैं, और उसमें फर्स्ट जनरेशन हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें दूसरी रेगुलर आइटम से जो है वो मुमताज़ करती हैं, और उस चीज़ के ऊपर हमें वो बताती हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में दूसरों से जो चाइनीज़ सोल्यूशन है उनसे हम ऊपर हैं, और लोकल सोल्यूशन से जो हमारे जो उस चीज़ के ऊपर उनसे हम जो है बेहतर का काम कर रहे हैं। अच्छा सर चलें, ये तो हो गया आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड। अच्छा ये VRF सिस्टम है, ये कितनी कैपेसिटी से, कितनी टन की कैपेसिटी लेके मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी पर अवेलेबल है? देखिए ये 3 टन से स्टार्ट होके आप इसको 1,000 टन तक एक्सपेंड कर सकते हैं, 1,000, 2,000, 3,000 टन। अभी हमने निशात अपार्टमेंट 1,200 टन के करीब जॉब की है, उसके बाद लाहौर माल 600 टन, फरूक हॉस्पिटल 700 टन, ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ये मतलब इट कैन गोज अबाउट 2,000 टन, 3,000 टन, डिपेंड ऑन डिमांड के ऊपर, डिमांड और बिल्डिंग की लोकेशन। ठीक हो गया सर। चलें सर, अब ये तो हो गया आपकी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, जो इश्यूज आते हैं वो आफ्टर सेल सर्विस आते हैं, कि जो वेल नोन कंपनीज हैं वो तो आपको पता है कि सर्विस देती हैं, आपकी कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, इसके बारे की जो आफ्टर सेल सर्विस है उसके बारे में बताएं, और इसकी जो खास तौर पे जो मेंटेनेंस है वो इजी है, क्योंकि मेंटेनेंस को सामने लाजमी रखा जाता है किसी भी। ठीक कह रहे हैं आप, देखें इसमें तो सबसे बड़ी जो पहली बात है कि वन जो है आउटडोर और उसके साथ मल्टीपल इनडोर, तो ये सबसे बड़ा एज है। अगर आप किसी बिल्डिंग के अंदर अगर आपने 200 यूनिट इंस्टॉल करना है, तो यू हैव द ब्यूटी कि आप 3 या 4 मॉड्यूल लगा के 200 इंडोर यूनिट के साथ कवर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली के 200 आउटडोर यूनिट्स और के मुकाबले में 3 आउटडोर यूनिट, तो आपकी काफ़ी हद तक सेविंग उस चीज़ के ऊपर हो जाती है। बाकी जो मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि उसके अंदर डेफिनेटली मेंटेनेंस जो है वो इसकी सर्विसेज और मेंटेनेंस वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो भी किसी भी प्रोडक्ट की काम, उसके अंदर हमारी जो पेरेंट कंपनी है क्रिसेंट कॉर्पोरेशन, वी हैव दैट कि वी हैव द 45 ब्रांड्स इन हाउस, जिसमें हमारे पास अपने कंप्रेसर्स हैं और हमारे पास तकरीबन मोस्टली आइटम्स जो हमारे इन हाउस अवेलेबल हैं, हमें इसका भी एज मिल जाता है। और सबसे बड़ा एज जो हमें मिलता है वो हमने स्टॉक का मिलता है, कि हमने कोई 1,000 टन के करीब जो VRF है वो हमने स्टॉक किया होता है, तो पार्ट्स डेफिनेटली मैनेज करना, लेकिन हमने वो सारे पार्ट मैनेज किया होता है, और इन केस अगर कोई पार्ट नहीं मिलता तो हम उसको अपने नए यूनिट से कैमोफ्लेज करके उधर लगा देते हैं, और उसके ऊपर हमारे पास स्किल्ड स्टाफ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, और वी हैव मोर देन 50+ पीपल जो कि ट्रेंड इंजीनियर्स हैं, और बाकायदा उनकी ट्रेनिंग हाइसेंस और उसके ऊपर हुई हुई है,
और वो अवेलेबल हैं लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, ये हमारे ऑफिसेज हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान को हम कवर करते हैं। चलें, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रोडक्ट। सर लास्ट में ये बताएं कि एक्सपीरियंस कैसा रहा एक्सपो का, क्योंकि गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा है तो विजिटर्स के बारे में, एक्सपीटर तो बहुत जोशो ग्रोह से आए हुए हैं, विजिटर का कैसा है? विजिटर का देखिए, मार्केटिंग तो एक्सपो HVCR एक्सपो वालों ने जो है ऑर्गेनाइजर्स, उन्होंने काफ़ी अपनी स्ट्रगल की है उसके ऊपर बिल्कुल, और हर चैनल के ऊपर उन्होंने अपनी आवाज़ पहुँचाई है और इसको एडवर्टाइज़ किया है। होप्स हो कि आज पहला दिन है इसलिए रश थोड़ा सा कम है, विद इन 2-3 डेज़ हम जो है ना अच्छा रिस्पांस जो है इस ऑडियंस से, लाहौर से स्पेशली जो है, और क्योंकि ये बड़ी 3 साल के बाद हो रही है तो पंजाब से भी हम जो है एक अच्छा रिस्पांस जो है ना वो कैलकुलेट जो है ना। थैंक यू अजमल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए।